हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो रात के 2 बज रहे और यहाँ पे रूम में हीटर जला दिया मैंने, और घर वाले सारे उठ गए हैं, बस इधर से उधर जा रहे हैं। तो मैं बताऊंगी आपको। तीसरी नहीं है, बीपी नहीं है, बीपी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको के नानी जो है वो जो है अपनी कैश थोड़ा सा डाल रही है। देखो कैश उनका बाहर निकल रहा है। तो एक्चुअली ना ये लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, रात के 2 बजे निकल रहे हैं ये लोग। तो मैं आपको बताऊंगी आगे आगे। तो फिलहाल अभी ना 9:30 होने वाले थे, तो अक्को और मैं ना फिर लेट उठ गए थे, क्योंकि 2 बजे के बाद फिर नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसके बाद फिर नींद नहीं आ रही थी। तो हम लोग अब जाके उठे फिर 9:30, आप देख सकते हो। बाहर धूप लग गई थी, हमने अभी अभी वो जस्ट पर्दे भी ना अभी अभी खोले, और अभी ये देखो ये हमारा चूल्हा जल रहा है। तो अक्कू के नानू नानी पापा वो लोग गए हैं पालमपुर आज, क्योंकि अक्कू की जो नानी है उनकी कुछ सर्जरी है आइज़ की, तो मेडिकल टर्म में पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वो डायबिटिक है ना, तो आँखों के में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनकी, इस वजह से हो रही है उनकी। तो खाने रहा जो तुमने दिया तो बस पालमपुर गए हैं, हम लोग हैं घर में। हाथ में नहीं, नीचे दो उसको, खाना खिला रही उसे। पर जिंगू की मॉर्निंग भी हमारे साथ ही हुई 9-10 बजे के आसपास, और मेरा चूल्हा ना आज जल नहीं रहा है। तो मैं ना सुबह चूल्हे के लिए लकड़ी लेके आई थी ना, वो गिल्ली थी, तो मैं बता रहा हूँ मैंने केरोसिन ऑयल जो था ना वो पूरी बोतल ख़त्म कर दी उसको चलाने में, बट चूल्हा तो मेरा जलने का नाम नहीं दे रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा सुलग गया था, बस फिर धीरे धीरे करके बस जल गया था। तो हम दो ही थे, तो हमने कहा हम क्या बनाएं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेती हूँ, तो ये बस ऑमलेट की तैयारी हो रही थी। और मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये रहा कुछ इस तरह का मेरा ऑमलेट। इसमें मैंने प्याज मिर्च नमक काली मिर्च ये डाला और कुछ नहीं। तो मेरा ऑमलेट ना इस तरह ही बनता है, मतलब मैं जो बनाती हूँ ये रही मेरे ऑमलेट। एक साइड पर मैंने यहाँ पे एग बॉईल कर रही थी, तो ये ना दोपहर का था, तो दोपहर के 1:30 बजे के आसपास मेरे आलू बचे हुए थे। तो अकेले ना मन नहीं होता यार, सच्ची खाने का मन नहीं होता, हम दो लोग ही थे ना। तो हमने कहा चलो इसके ना परांठे बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने परांठे बनाना शुरू कर दिए थे, तो परांठे खाने में फिर अक्कू चली गई थी आप अपने चाचा चाची, मतलब जो मेरे चाचा चाची हैं उनके घर में। तो मैंने भी जब ये परांठे वगैरह बनाए और फिर मैं भी उनके घर ही चली गई, तो मैंने भी वहाँ पे ही बैठ के खाए। तो बस ये रहा मेरा परांठा, आलू का परांठा। परांठा ना बताऊँ आपको, बहुत अच्छे बने, बहुत ज़्यादा अच्छे, सच्ची में बता दूँ आपको, क्योंकि ये लोकल आलू थे ना, लोकल आलू के परांठे बहुत टेस्टी बनते। आप देख लो बाहर से कितने यम्मी यम्मी दिख रहे ना, वैसे खाने में भी बहुत यम्मी यम्मी थे, जो परांठे लवर है उनके लिए बता रही हूँ, जिनको परांठे पसंद हो ना। तो